तो भरत महाराज जो है उन्हीं के नाम पर ही पूरे पृथ्वी का नाम पड़ा भारतवर्ष। तो भरत महाराज जो है बहुत बड़े सम्राट थे, लेकिन बहुत छोटी उम्र में उन्होंने साम्राज्य त्याग दिया और वो चले गए कहाँ पर, गंडकी नदी के पास। भरत महाराज वहां जाकर जो है योग साधना में लग गए, भजन साधना में लग गए। तो एक समय क्या हुआ, एक हिरणी, जो हिरणी गर्भवती थी और जब सिंह के धाड़ से वो भाग रही थी, घबरा रही थी, तो वो वास्तव में छलांग मारने लगी नदी में, तो उस समय गर्भपात हो गया और वो हिरणी तो मर गई। तो बच्चा जो है वो डूब रहा था जल में उस नदी में, तो भरत महाराज के हृदय में दया आ गई, उस बच्चे को बचा लिया, हिरणी के बच्चे को बचा लिया और बाहर निकाल दिया। अब उस हिरणी के बच्चे को बहुत अच्छे से वो ध्यान रखने लगे और उसको खिलाने पिलाने लगे, और धीरे धीरे उनका ध्यान जो है भजन साधन में न लगकर उस हिरणी के बच्चे में लग गया, और दिन रात जो है वो हिरणी के बच्चे के ऊपर ही सारा ध्यान लगाने लगे। यानी कि कहने का मतलब, अगर आरती भी कर रहे हैं वो भगवान की, तो बीच बीच में उसको देख रहे हैं, वो बच्चा है तो सही ना, इधर उसको भूख तो नहीं लगी है, कहीं इधर तो नहीं गया, कहीं उधर तो नहीं चला गया है, उसको छोड़ दिया, फिर वो उस बच्चे को उठाने लग चले गए। तो ऐसे करते 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 क्या हुआ, इतने ध्यान मग्न हो गए उस बच्चे में, हिरणी के बच्चे में, एक दिन क्या हुआ, हिरणी का बच्चा कहीं चला गया, गुम हो गया। उसको ढूंढते 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 एक तरफ से अदमारी से होकर गिर पड़े, और इतना असक्त हो गए थे उस हिरणी के बच्चे से, हिरण का भाव जागृत कर लिया उन्होंने। यम यम वापी स्वर्ण भावम तजते अंते कलेवरम, तम तम एवे थी कौनते आ सदा तद भाव भाविता। अंत काल में जिस तरह का भाव आपका होगा, जहां आपका मन लगा होगा, जिसका आप चिंतन कर रहे होंगे, उसी तरह का आपको शरीर मिलेगा। तो अगला जन्म को क्या मिला, हिरण का मिला। लेकिन भगवत कृपा क्या हुई भरत महाराज के ऊपर, अगले जन्म में हिरण के रूप में तो थे वो, लेकिन अन्य हिरण या हिरणियों का संग नहीं करते थे वो, ऐसे संत महात्माओं के पास जाके, ऐसे आश्रम में जहां संत महात्मा आके रुकते थे और वहां पे कथा होती थी, उस कथा को सुनने के लिए वहां पे चले जाते थे। हिरण के शरीर में भी उनको भगवान का स्मरण हो रहा था, हालांकि ऐसा होता नहीं है सामान्य रूप से। और अगले जन्म में फिर उनको मनुष्य शरीर मिल गया, और अगले जन्म में वो जड़ की तरह रहने लगे। जड़ का मतलब सावधान हो गए कि ये गलती मैंने दोबारा नहीं करनी। अब तो उनके घर वालों से चाहिए, तो बिल्कुल जड़ है, बिल्कुल जो है मंद व्यक्ति है। मंद नहीं थे वो मंद बुद्धि के नहीं थे, बहुत बुद्धिमान थे, बहुत सेल्फ रिलाइज थे, लेकिन वैसा प्रदर्शित कर रहे थे ताकि उनको कोई तंग ना करे। तो उनको खेत में खड़ा कर दिया था, क्योंकि बड़े बलशाली थे, बहुत स्ट्रांग थे वो। तो एक डाकू लोग उसको उनको उठा के ले गए कि हम दुर्गा काली को बलि चढ़ाएंगे, ये बहुत ताकतवर है। तो लेके चले गए बस काली के सामने, जो है बलि चढ़ाने के लिए तैयार हुए। काली एक जगह जो विग्रह था, साक्षात काली प्रकट हो गई उसमें से, और जितने वो डाकू थे और बदमाश थे सबका गर्दन उड़ा दिया। तो यानी कि भगवान के भक्त हैं, महाभागवत हैं, भगवान के शुद्ध भक्त हैं, तो अगर आप ऐसा करेंगे तो क्या होगा, काली आपको सपोर्ट नहीं करेंगे, वो तो भगवान के भक्त को सपोर्ट करेंगे। तो इस तरह से जड़ भरत की रक्षा हुई।